welcome to the all new episode of Beauty Secrets. So girls, winter is up. और ये सिर्फ मौसम बदलने की दस्तक नहीं बल्कि आपकी स्किन का खास ख्याल रखने का भी इशारा है. विंटर्स में आपकी स्किन में रूखापन यानी कि ओवर ड्राइनेस, ईचिंग और स्किन फटने जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क होता है. तो आइए जानते हैं इस विंटर्स में आपकी स्किन प्रॉब्लम से बचने के कुछ आसान तरीके. सबसे पहले हम विंटर स्किन के रूटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहला होगा मॉर्निंग स्किन के रूटीन एंड सेकेंड विल बी नाइट स्किन के रूटीन. सो मॉर्निंग स्किन के रूटीन में सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश. आप जब भी फेस वॉश कर रहे हो किसी भी फेस वॉश या सोप से, तो मेक श्योर कि वो आपका फेस वॉश या सोप आपके स्किन के लिए माइल्ड या जेंटल होना चाहिए. वो बिल्कुल भी आपके स्किन के लिए हार्श या ड्राई नहीं होना चाहिए. इसके बाद सेकेंड स्टेप है टोनर. फेस डीप क्लीन करने के बाद उसे टोन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टोनर आपके फेस के जो ओपन पोर्स है उन्हें क्लोज कर देता है और आपके स्किन को इवन टोन देता है. टोनिंग के लिए आप कोई भी कंपनी का टोनर या रेगुलर रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो. 2-3 ड्रॉप्स लेकर आप उसे अपने फेस पर डैबिंग मोशन में अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर के लिए आप कोई भी रेगुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल भी एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. याद रहे, एलोवेरा जेल हर टाइप की स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है. मॉइस्चराइजर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन लोशन. यस, विंटर्स में भी अगर आप दिन में घर से बाहर जा रहे हो तो ऑलवेज अप्लाई अ सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि जो सनरेज होते हैं वो डेफिनेटली आपके स्किन को सनटैन कर सकती है. इसके बाद फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप जो है लिप बाम. यस, नेवर फॉरगेट टू अप्लाई लिप बाम, क्योंकि ठंडियों में आपके लिप्स जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं और आपके लिप्स से डेड स्किन निकलना शुरू हो जाती है. ऐसे में आप किसी भी अच्छी कंपनी का लिप बाम यूज़ कर सकते हो. इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जो है विंटर नाइट स्किन केयर रूटीन, जो आपको हर रोज सोने से पहले फॉलो करनी है. नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पहले आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है. आप जब भी पूरा दिन घूम कर आते हो या फिर आप कोई भी हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो या फिर आप जो भी पूरा दिन मेकअप अप्लाई करते हो, उससे आपकी स्किन पर डर्ट, डस्ट और पोल्यूटन से फील हो जाती है. ऐसे में आप कभी भी कोई भी नाइट केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसके पहले आपके फेस का यानी कि स्किन का डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो नाइट स्किन के रूटीन में सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग. क्लीनिंग के लिए आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क या रोज वाटर यूज कर सकते हो, जिसे आपको कॉटन पैड पे लेकर 30-40 सेकेंड्स तक स्किन पर रब करना है, जिससे आपका जितना भी मेकअप है या फिर डस्ट या डर्ट पूरी तरीके से निकल जाएगा. इसी के साथ साथ क्लींजिंग से आपके जो पोर्स क्लॉट है वो बन जाते हैं, जिससे आपको कभी भी पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती. डीप क्लीनिंग के बाद सेकेंड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजिंग के लिए आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो वो क्रीम ठीक कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, क्योंकि उससे पूरी रात आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और नेक्स्ट डे पे आप पाओगे सॉफ्ट और सबल स्किन. थर्ड स्टेप अगेन लिप बाम. आप किसी भी कंपनी का लिप बाम या वैसलिन अपने लिप्स पर रात को अप्लाई कर सकते हो, ताकि मॉर्निंग में आपके लिप्स रफ या ड्राई ना हो. इसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज अंडर आई केयर, खासकर उनके लिए जिनकी स्किन विंटर में काफी रफ और ड्राई हो जाती है. प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलने के कारण उनका अंडर आई एरिया काफ़ी पफी हो जाता है. ऐसे में उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलने के कारण उनकी स्किन जो है काफ़ी फाइन लाइन और रिंकल से भर जाती है. ऐसे में आपको हर रोज़
3-4 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल लेकर उसे 30-40 सेकेंड्स तक आईज पे मसाज करना है। इससे आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम 90% कम हो जाएगी। यही नहीं, एलमंड ऑयल आपके डार्क सर्कल्स को भी कम करेगा। सो ये थे कुछ टिप्स विंटर में ब्यूटी केयर के लिए। अगर आप एक प्रॉपर मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो आपकी स्किन की ड्राइनेस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी मज़ेदार ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ब्यूटी सीक्रेट्स। बाय बाय।